सवेरे के बज रहे हैं ठीक 8 और ये गाड़ी आ गई है हमें बुंगला पास ले जाने के लिए एंड वी आर ऑल सेट टू रोल। ये देखो मैडम ऐसे चेन लगाते हैं जो बर्फ में बर्फ के लिए, तो क्योंकि असम का डेवलप का एक्सपीरियंस नहीं है ये सब के लिए। ये 1962 का वार का समय का बंकर है, ये बंकर 1962 की वार की बैंक बंकर है। सवेरे 8 बजे हम लोग तवांग से निकल गए हैं बुमला पास और माधुरी लेक के लिए। बुमला पास जाने के लिए आपको लोकल तवांग टैक्सी यूनियन की ही गाड़ी लेनी होगी। हमारे लिए ये गाड़ी हमारे होटल ने ही अरेंज करवा दी थी और इसका हमने 5,500 रुपया दिया। और बुमला पास के लिए परमिट चाहिए होता है जो एक दिन पहले अप्लाई करना होता है, तभी आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकल सकते हैं। तो उसके लिए आपने DCE ऑफिस में अप्लाई करना होता है और फिर आर्मी से स्टैंप लगवाना होता है। वैसे आपके होटल वाले भी आपके लिए परमिट अरेंज करवा सकते हैं। हमने तो पैकेज टूर लिया था 7 Sisters Holidays से, तो हमारा ये परमिट उन्होंने ही अरेंज करवा दिया। कितना सुंदर ये लाल लाल फूल, क्या है ये? बुरांश का फूल है, ये बुरांश है। और हम आपको पहले मिलवाते हैं अपने पायलट जी से जो हमें लेकर के जा रहे हैं बुमला पास। नाम बताइए आप अपना। मेरा ये उर्जन, उर्जन नाम है इनका। वो 2006 से ये यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं। ये देखिए लाल लाल ये सारे बुरांश के पेड़ हैं। परमिट चेक हो गया हमारा यहाँ पे। जहाँ पे परमिट चेक करवाने गए थे उर्जन, वहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन थी, तो कह रहे थे कि इतने ज़्यादा टूरिस्ट आज जा रहे हैं, मैक्सिमम टूरिस्ट देख रहे हैं कि इतनी। हम जा रहे हैं अब बुमला पास, क्योंकि उर्जन जी ने हमसे कहा जो हमें लेके जा रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि सारी गाड़ियाँ अभी पहले माधुरी लेक ही जा रही हैं, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए हम लोग माधुरी लेक की जगह बुमला पास जा रहे हैं। और 26 किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल में 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, है ना। ये बहुत अच्छा लगता है, जगह जगह जो कलरफुल फ्लैग्स लगाए हैं लोगों ने, बहुत ही सुंदर लगता है। तो उर्जन जी बताएं, जो कि फ्लैग है, जो ये रंग बिरंगे फ्लैग हैं, ये हम लोगों के जो जीवित लोग हैं उन लोगों की लंबी आयु के कामना के लिए हैं। और जो होते हैं कि खाली वाइट फ्लैग्स होते हैं, तो वो लोग जो मर गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए लगाए जाते हैं। सड़कें तो अब यहाँ बहुत अच्छी बन गई हैं, तो बता रहे हैं यहाँ पे लोग कि इसके पहले बुमला पास जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब तो 5-6 साल में ये सड़कें बनी हैं और तभी से इतना टूरिज्म भी बढ़ गया, इतने लोग भी आने लगे हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत लेक्स हैं और ये सब नेचुरल लेक्स ही हैं। जरूरी चीज है उसे पहले खत्म कर लें। आसपास गांव में कोई रहते नहीं है लोग इधर? नहीं मैम, यहाँ तो एलो नहीं है ना, यहाँ तो पूरा आर्मी वाला रहेगा। हाँ, यहाँ तो सरप्राइज की कोई गांव वगैरह नहीं दिख रहे हैं या लोकल नहीं दिख रहे हैं। तो हमने उर्जन जी से पूछा, उन्होंने हमें वही बताया कि तो बॉर्डर का एरिया है तो यहाँ अलाउड ही नहीं है। और जो इवन काम वाम करने वाले आते हैं, जो BRO के आते हैं काम करने वाले, वो भी सवेरे आके आफ्टरनून में चले जाते हैं, क्योंकि बाद में मौसम यहाँ वैसे ही खराब होने लगता है। लेक वेक इधर भी खूब है। और बुमला पास अभी यहाँ से 8 किलोमीटर होगा। बुमला अभी यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है और हम लोग अभी मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली एल्टीट्यूड इस जगह का जहाँ हम हैं 14,000 फीट होगा। तो बुमला पास यहाँ से है देखिए 3.5 किलोमीटर और यहाँ पर भी परमिट चेक होता है। तो यहाँ पे ये पता चला कि अभी दीज आर द फर्स्ट 2 कार्स जो बुमला पास पे जा रही हैं, तो आई थिंक दैट वॉज अ गुड डिसीजन। वहाँ पर भीड़ नहीं होगी इस समय, जब तक हम लोग करके निकलेंगे तब बाकी लोग पहुंचते होंगे वहाँ पर। और ये है बुमला पोस्ट, वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो एट लास्ट हियर वी आर एट बुमला पास। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। वन मोर प्लेस टिक्ड ऑफ फ्रॉम आवर बकेट लिस्ट, बुमला पास। एल्टीट्यूड है यहाँ का 15,200 फीट।
तो यहाँ सबसे पहले आपको इस हॉल में जाना होता है वेयर दे चेक योर परमिट एंड आईडी, और इसके बाद द टूर इज गिवन बाय आर्मी पर्सनल। ये देखिए एकदम बॉर्डर पर ये बनाया है, जय हिंद, हाँ ओम लिखा हुआ है ऊपर, इधर शिवलिंग बनाया हुआ है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। हम पहुँचे हैं बुमला पास और इसके आगे हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। अच्छा हुआ हम यहाँ सवेरे 8:30-9 बजे पहुँच गए, एंड आई थिंक दैट्स राइट टाइम टू कम हियर, क्योंकि धीरे धीरे भी ज़्यादा टूरिस्ट आते जाएंगे तो भीड़ होती जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट के बाद आपको यहाँ के जो आर्मी के जवान हैं वो एज अ गाइड आपके साथ जाते हैं और जो हमारा बॉर्डर है उसको दिखाते हैं, और वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करते हैं इस जगह की हिस्ट्री। और उस तरफ से चाइना की तरफ से टूरिस्ट नहीं अलाउड हैं, और उधर हम फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते हैं। सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे इन्होंने बताया कि होता है -25 डिग्री सेल्सियस, और अभी भी मेरे ख्याल में -23 होगा। और क्योंकि एल्टीट्यूड 15,000 का है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम एज सच नहीं, लेकिन थोड़ी हाँ धीरे धीरे हाँफ करके बोल पा रहे हैं। अंदर यहाँ पे आर्मी की कैंटीन है जहाँ आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, और वही नहीं, अगर आप प्रॉपर क्लोथिंग के साथ नहीं आए हैं तो जैकेट, शूज़, ग्लव्स और कैप्स वगैरह भी आप वहाँ से ले सकते हैं। वाइट एकदम पहाड़ देख रहे हैं, वो सब चाइना में है। और ये जो देख रहे हैं बिल्डिंग्स, यहीं पे मीटिंग होती है चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में। तो यहाँ पे 9 बार बॉर्डर पे मीटिंग होती है, 5 times हमारे तरफ और 4 times चाइना के एरिया में, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और चाइनीज़ आर्मी के ऑफिसर्स उसमें मीट करते हैं। और वहाँ पे बॉर्डर पर ही पेबल्स रखे हुए हैं, तो जो भी VIP यहाँ पर विज़िट करते हैं वहाँ पर पत्थर रखते हैं शहीदों की याद में। और यहीं पर वो जगह है जहाँ जोगिंदर सिंह सिख रेजिमेंट के थे, उन्होंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूँ चाइनीज़ आर्मी यहाँ से नहीं जा सकती है, और उन्होंने आखिरी दम तक अकेले जब तक थे चाइनीज़ आर्मी का सामना किया। तो यहाँ पर आगे उनका एक मेमोरियल भी है, शायद हम वापसी में रुकेंगे तो मैं वो दिखाऊँगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा चाइना की तरफ जो आप देख रहे हैं रोशनी हो रही है, सूरज कहीं से झांक रहा है उसकी रोशनी आ रही है। ये मैं जब यहाँ बैठी हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं लिखा है मेरा भारत महान, और हम उधर से घूम के आ गए हैं और वापस जा रहे हैं। अगर आप लोग तवांग तक आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं माधुरी लेक देखने, तो आपको रास्ता भी दिखाएंगे और माधुरी लेक भी दिखाएंगे। और अभी अच्छा है, सवेरे आए हैं तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 10-15 टूरिस्ट रहे होंगे यहाँ, सो दिस इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि सभी लोग 8 बजे चलते हैं वहाँ से और पहले माधुरी लेक चले जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ बेटर आइडिया, जब आप आते हैं आप पहले बुमला पास आइए एंड देन यू गो टू माधुरी लेक। हमें मिले हैं, ये हैं यूपी से, कानपुर से, लेकिन रहते हैं गुवाहाटी में 1.5-2 साल से, और पढ़ाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग लेते हैं। कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा ना। फर्स्ट टाइम सभी लोग ये लोग बम लेके यहाँ पे बम ही फोड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। 10 बज गया, हम लोग 1 घंटे तो रहे ही होंगे यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, और लेकिन जाना तो अब है ही है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से माधुरी लेक के लिए। ये हम जैसे ही बुमला पास से निकले मुझे लोग मिले हैं, और हमारे ये लोग यहाँ रोज काम करने आते हैं और हम कह सकते हैं हमारे नए दोस्त हैं। आप लोग कहाँ, तवांग से आए हो? रोज आते हैं काम करने? गाना सुना बहुत अच्छा गाते हैं, हैं? हम तो सांस ले लें यहाँ पे बहुत है। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पहचानेंगे। हाँ बाय कर रहे हैं आपको, बाय, थैंक यू। हम लोग बुमला पास से जा रहे हैं, यहाँ रास्ते में है जोगिंदर सिंह मेमोरियल, यहाँ हम रुके हैं। ये है सूबेदार जोगिंदर सिंह मेमोरियल, ये भी नया ही है, इसका इनॉग्रेशन 23 अक्टूबर 2020 में यहाँ के CM की प्रेजेंस में सूबेदार जोगिंदर सिंह की लड़की ने किया है।
23 अक्टूबर 1962 को चाइनीज़ आर्मी ने सूबेदार जोगिंदर सिंह की पोस्ट पर अटैक किया और जोगिंदर सिंह जी अपने साथियों के साथ वीरता के साथ उनके साथ लड़ते रहे। पूरी घाटी बोले सो निहाल सत श्री अकाल के नारों से गूंज उठी थी। ये लोग तब तक लड़ते रहे जब तक इनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन ख़त्म नहीं हो गए और आखिर में जब वो बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े तो चाइनीज़ आर्मी उन्हें बंदी बना के अपने साथ ले गई। 15 दिन ये चाइनीज़ आर्मी की कैप्टिविटी में रहे लेकिन इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी और उनसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम पहुँचे हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह के मेमोरियल पे। बहुत ही सिंपल, बहुत सुंदर, ये गेंदे के फूल से इन्होंने सजाया हुआ है। चार कोनों में चार मटके रखे हुए हैं। यहाँ जोगिंदर सिंह जी की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग भी रखी गई है। देख के जैसे रोमांच सा हो जाता है कि हम उस बहादुर वीर को देख रहे हैं जिसने अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। आपको हम सबका सैल्यूट। मेमोरियल बहुत ही इम्प्रेसिव है, यहाँ लगता है बहुत कम लोग आते हैं। ज़रूर आइए यहाँ पर। यहाँ पे बन रही है सड़क और सब औरतें हैं जो काम कर रही हैं। देखिए वापसी में लेक के बीच में छोटा सा मंदिर, शिव मंदिर है शायद, उसके ऊपर लिखा है ओम। देखिए लाइन से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये वो गाड़ियाँ हैं जो पहले गई थी माधुरी लेक। ये लोग अब जा रहे हैं बुमला और हम अब यहाँ से जा रहे हैं वापस। 1 2 3 4 5 आई कैन काउंट 5। तो हम अब मुड़ गए हैं माधुरी लेक वाली सड़क पे और यहाँ से करीब 14 किलोमीटर है, हाफ एन आवर की ड्राइव होगी हम लोगों की शायद। ये यहाँ का लोकल म्यूजिक है। एकदम मस्त है ये डांस वाला म्यूजिक। ये हम आ गए हैं माधुरी लेक पर। एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम तो है शोंगस्टर लेक लेकिन ये माधुरी लेक के नाम से अब ज़्यादा मशहूर हो गई है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं माधुरी लेक, बहुत ही सुंदर जगह है। पानी देखिए कितना साफ है, पानी के अंदर के जो पेबल्स वगैरह हैं वो सब एकदम साफ नजर आ रहे हैं। This lake was formed by a flash flood after an earthquake in 1950. Originally तो इसको शोंगस्टर लेक ही कहा जाता था। बाद में यहाँ जब यहाँ कोयला फिल्म की शूटिंग हुई जिसमें माधुरी दीक्षित के ऊपर एक गाना फिल्म आया गया तब से इसको माधुरी लेक भी कहा जाने लगा। ये लेक चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है और वो देखिए सामने बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं। है तो बहुत सुंदर जगह लेकिन सबसे खास चीज़ जो मुझे यहाँ की लगती है जो और लेक से अलग है वो ये जो पेड़ खड़े दिख रहे हैं जैसे लेक को गार्ड कर रहे हैं, जैसे सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पे डटे हैं। अगर आप इस लेक को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके चारों तरफ वॉक ज़रूर कीजिए। ये लेक के चारों तरफ पाथवे बनाया हुआ है घूमने के लिए। अभी यहाँ हवा बहुत चल रही है और हवा के चलते यहाँ ठंड भी बहुत है। घूमते घूमते हम माधुरी पॉइंट पर आ गए हैं। यहीं पे माधुरी दीक्षित के ऊपर डांस और सॉन्ग सीक्वेंस की शूटिंग हुई होगी कोयला फिल्म की। हम घूमते घूमते माधुरी लेक के दूसरे पॉइंट पर आ गए हैं।
ये देखिए इस किनारे से कुछ ऐसी ये लेक दिखती है। क्या देख रहे हैं आप? इनको आगे कोई वाटरफॉल दिख रहा है, वहाँ जाने के लिए कह रहे हैं। हम देखिए थोड़ा दूर चल के आए हैं माधुरी लेक पे। यहाँ हमें एक वाटरफॉल सजा दिख रहा था, उसकी आवाज़ सुनते सुनते हम आ गए हैं। देखिए छोटा सा पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, इसके नीचे से बड़ी सुंदर सा वाटरफॉल है पीछे। हम लोग थोड़ा आगे आगे चक्कर लगा के माधुरी लेक पर, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ पीपल वहीं से सामने आके जो पॉइंट है वहाँ खाते पीते चले जाते। हम लोग पानी की आवाज़ सुनते सुनते थोड़ा आगे आ गए तो देखिए हमें इतना सुंदर व्यू देखने को मिल गया। शंसर लेक विद नेचर इन इंडियन आर्मी टू बी इंडियन। अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है ये, वो उनका कैफ़े है। तो माधुरी लेक के पास ही ये आर्मी की कैंटीन है जहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। हमने लिया है मोमो और कॉफ़ी, और यहाँ से व्यू है बाहर का ये, और छोला भटूरा मैगी वगैरह भी यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पर हमने आर्मी का जो कैफ़े है वहाँ पे हमने मोमो ट्राई किए, कॉफ़ी पी और एक छोला भटूरा भी खाया। पहले तो हमें लग रहा था कि शायद हम नहीं लेंगे क्योंकि भूख नहीं लगी थी, लेकिन एक बार जब खाने बैठे तो खाते गए। अच्छा था खाना, ठीक था। और अब थोड़ी देर हम यहाँ लेक के चारों तरफ घूमते हैं, फिर चलते हैं वापस। अभी तवांग में भी हमने घूमना है, आज का ही दिन है हमारा, तो मोनेस्ट्री वगैरह जो भी होगी वहाँ पे वो हम आज घूमेंगे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं माधुरी लेक से, बाहर भी बैठने का खाने का इंतज़ाम है आपके लिए। ये एक कॉटेज जैसी है, यहाँ आर्मी के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो लोग अंदर बैठ के खा सकते हैं। टूरिस्ट इन सुंदर नज़ारों को अपनी आंखों में समेट के अब यहाँ से चलते हैं। सुना तो था अरुणाचल बहुत सुंदर है, लेकिन इतना सुंदर होगा ये ना सोचा था। ये रास्ते में इस तरह के सुंदर वाटरफॉल तो यहाँ पे जगह जगह मिलते हैं। ये जाके मिल जा रहा होगा लेक में। मतलब 8 बजे तक होटल से निकल जाइए और सब जल्दी आके बुमला पास करिए, फिर माधुरी लेक कीजिए। नहीं तो देरी में होने पे यही हाल होता है मौसम का, जो अब ये बारिश होने लगी और स्नोफॉल होने लगा है। तो इनफैक्ट हम लोग जब पहुँचे थे बहुत अच्छा मौसम था और वीवर लकी, हमने बड़े उस समय एकदम क्लियर व्यू था, फॉग भी नहीं था, बहुत ही अच्छा व्यू था। सबसे पहले ये फ्लैट पट्टी होती है, जो फ्लैट वाली पट्टी है उसको समझ। ओहो स्नोफॉल होने लगा यहाँ पर। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप पीपी शुले, और हमने कहा जरा हम भी स्नोफॉल के मज़े ले लें यहाँ पे। ये देखिए पूरी तरफ से देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी है, गाड़ी के बोनट पे देखिए, गाड़ी के बोनट पे भी जम गई है। और अब हम जल्दी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ड्राइवर जी हमारे कह रहे हैं कि अगर रोड पे जम गई तो मुश्किल होगी। तो हम यहाँ के ले रहे हैं मज़े। चले बज रहा है और 8 बजे हम निकले थे, तो 6 घंटे में हम माधुरी लेक और बमुला पास करके वापस आ गए। अब हम तवांग में आ गए, होटल ही जा रहे हैं। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम मोनेस्ट्री वगैरह देखेंगे, यहाँ की साइट सीइंग करेंगे, लेकिन यहाँ हो रही है बारिश इसलिए हम जा रहे हैं होटल में, और देखेंगे अगर थोड़ी देर बाद बारिश रुकेगी तब आपको हम तवांग की सैर कराएंगे। और इस समय तवांग बारिश में कुछ ऐसा दिख रहा है।
वापस आए तो तवांग में भी बारिश हो रही थी, इसलिए हम आ गए हैं सीधे होटल। और अब लेकिन बारिश थोड़ी कम हो गई है, हल्की हो रही है, तो सोच रहे हैं कि हो सके तो हम आज ही यहाँ की मोनेस्ट्री वगैरह घूम के आएंगे। सो लेट्स सी, वी आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट अवर ड्राइवर। हम पहुँचे हैं तवांग मोनेस्ट्री पे, जो बहुत ही पुरानी है। ठीक 4 बजे हम पहुँच गए तवांग मोनेस्ट्री पे, विच इज़ सेट टू बी द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इन एशिया। इसको डिवाइन पैराडाइज ऑफ कम्प्लीट विक्ट्री भी माना जाता है। और ये मोनेस्ट्री 5th दलाई लामा की रिक्वेस्ट पे 1680-81 के बीच में बनी थी। मोनेस्ट्री इज 3 स्टोरी हाई और इट इज़ सराउंडेड बाई अ 925 फीट लॉन्ग वॉल। ये मोनेस्ट्री कैसे बनी इसके बारे में कई लोकल कहानियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि 1640 में 5th दलाई लामा ने, एक बुद्धिस्ट प्रीचर थे, मंग थे, जिनका नाम था मेरा लामा, उनसे एक मोनेस्ट्री बनाने के लिए कहा। तो मेरा लामा डिवाइन गाइडेंस लेने के लिए एक केव में बैठ के मेडिटेट कर रहे थे। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा वहाँ नहीं है, जो उनको कभी छोड़ता नहीं था। तो वो घोड़े को ढूंढते ढूंढते आगे आए तो उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा एक हिल टॉप पर, और जिसके सामने एक ब्यूटीफुल वैली थी, वहाँ पर घास चल रहा था। तो मेरा लामा ने इसको एक डिवाइन मैसेज माना और यहाँ पर अपना बेस शिफ्ट किया और इस जगह का नाम रखा तवांग। तवांग का मतलब होता है, ता का मतलब होता है हॉर्स और वांग मतलब चूजन। और इस तरह से यहाँ 1680 में ये मोनेस्ट्री बन के तैयार हुई। दिस इज़ द व्यू ऑफ तवांग फ्रॉम द मोनेस्ट्री एंड आई थिंक द बेस्ट व्यू ऑफ तवांग यू गेट फ्रॉम हियर। अच्छा व्यू है ये, मेरे पीछे आप मोनेस्ट्री देख सकते हैं, जो कि कहा जाता है 1681 में बनी है। इसके अंदर एक बुद्ध की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है, उसको कहा जाता है कि वो तिब्बत से लाई गई थी और वो टूट गई थी यहाँ के, फिर इसको जोड़ा गया। और ये जो बुद्धा की प्रतिमा है ये गोल्ड और कुछ और मेटल से मिलकर के बनाई गई है। हॉल में घुसते ही सामने ये भगवान बुद्ध की 18 फीट ऊंची गिल्डेड प्रतिमा है, जो तिब्बत से लाई गई थी और टूट गई थी और यहाँ पे फिर बनाई गई। बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है। यहाँ 530 मंक्स रहते हैं। ये जो पीली छतें देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इसी में सब मंक्स रहते हैं। और प्रेयर हॉल जो है, सो एवरी मॉर्निंग 4:30 इन द मॉर्निंग 150 मंक्स आके वहाँ पे पूजा करते हैं। और बाकी जो मंक्स हैं वो अपने अपने घर में पूजा करते हैं, ये उनके घर ही हैं। और तो बाय रोटेशन, जैसे आज 150 आए तो नेक्स्ट डे फिर दूसरे 150 आएंगे, इस तरह से करके वो लोग यहाँ आते हैं। ये है यहाँ का प्रार्थना कक्ष। यहाँ पर सवेरे हर रोज 4:30 बजे मंक्स आते हैं और यहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। बहुत ही सुंदर और कलरफुल प्रेयर हॉल है, बहुत सुंदर कॉलम्स हैं और पेंटिंग्स तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर हैं। और एक तरफ हमने यहाँ देखा कि जो पेंटिंग्स फेड हो गई हैं उनको रीटच किया जा रहा है। ये जो पीले रूफटॉप्स दिख रहे हैं ये सारे मंक्स के घर हैं और यहाँ पर ऐसे 65 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, तो आप आइए तो उस म्यूज़ियम में भी जाइए, जहाँ पर कि कुछ पुराने कपड़े भी रहे, उन्होंने रखे हैं, बड़े बड़े बर्तन, यूज पॉट्स जो कुकिंग के लिए यूज़ होते थे, या लोग जो बटर टी पीते हैं उसको उसके लिए यूज़ होते थे। तो इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है, आइए तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। ये है म्यूज़ियम, लेकिन यहाँ लाइट चली गई है अभी, तो हम कुछ खास फ़ोटो यहाँ पर ले नहीं पाए। यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हिस्ट्री की पढ़ाई होती है एंड दिस इज़ द सेंटर फॉर दैट। एक्चुअली यहाँ पे 2 एंट्री पॉइंट हैं, एक तो नीचे है और एक ऊपर है। तो अगर आप नीचे उतरते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होगा, और क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है। और अगर आप ऊपर उतरते हैं तो ऊपर कार पार्किंग मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द ड्राइवर दे ड्रॉप यू देयर और फिर आप घूमते हुए आ जाइए और गाड़ी नीचे मिल जाएगी आपको। तो हमने वही किया है। इसमें फ़ायदा ये है कि आप मोनेस्ट्री भी देखते जाते हैं, साथ ही साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पहुंच जाइए नीचे अपने गाड़ी तक। यहाँ पे इतने लोग रहते हैं फिर भी इट इज़ सो पीसफुल, कोई दिखता ही नहीं है। हाँ, इनका यहीं पर अंदर ही किचन भी है, डाइनिंग एरिया है, ये तो मुझे लग रहा है डाइनिंग वाइनिंग का एरिया है राइट साइड में। स्टूडेंट्स भी यहीं रहते हैं और पढ़ते हैं।
तो गुरुकुल प्रणाली जैसा सिस्टम है यहाँ पे। ये है यहाँ की लाइब्रेरी जिसमें बहुत पुराने वैल्यूएबल स्क्रिप्चर्स और रेयर पेंटिंग्स हैं। तो सब कुछ इनकी दुनिया कह सकते हैं कि यही है। अंदर इनका हॉस्पिटल है, किचन है, खाना पीना है, लाइब्रेरी है, पूरा सेल्फ सफिशिएंट, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और ये रहा नीचे का एंट्री गेट। तो अगर आप नीचे से आते हैं तो इस लाइब्रेरी के थ्रू आप एंटर करेंगे। हम आ गए नीचे वाले गेट पे और बारिश हो गई है तेज, तो खैर हमने फ़ोन करके गाड़ी कहीं की मंगा लिया है। ये गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या करें, तब तक ये प्रेयर व्हील ही घुमा लेंगे। जब तो बारिश हो रही थी, कुछ करते रहना चाहिए ना। मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए बारिश में सूखी थी उसी समय कि हम लोग यहाँ पे घूम लें, अब तो खूब तेज हो गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और लाइक और शेयर कीजिए। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, जिसमें हम आपको यहाँ की बाकी के अट्रैक्शन दिखाएँगे और यहाँ से दिरांग की ड्राइव दिखाएँगे। सो सी यू सून।